अच्छा देखिए, डांसर जो होते हैं ना, वो इनबॉर्न होते हैं और कहीं से भी कभी भी आ जाते हैं। जैसे कि ये नन्हे से डांसर, वैसे नन्ही सी सारा भी हमारे पास है। सारा एक चीज़ बताइए, ये डांसिंग पार्टनर कैसा है? छोटू सा बहुत ही क्यूट है। अच्छा, मम्मी और पापा में से डांस ज़्यादा अच्छा कौन करता है? पापा। पापा, क्या बात है। तो आप डांडिया किसके साथ खेलेंगी, मम्मी के साथ कि पापा के साथ? दोनों के साथ। दोनों के साथ, देखिए सबके साथ खेलना होता है और मज़ा तो तभी आता है। तो चलिए, जब हम भी डांस की प्रैक्टिस करें, तब तक आप देखिए कहाँ हम कहाँ तुम। 26 सितंबर का जो राज है वो आखिरकार खुल ही गया। उस लड़की को वहां मरता हुआ छोड़कर आ गए, मुझे भी जबरदस्ती ले आए, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी। अभी पुलिस को फोन करती है। रुको, मेरा फोन। पुलिस की धमकी तो दे मत, जब से जिंदगी में आई है दिमाग खराब कर रखा है। रुक, तुझे मंगनी करनी है ना मुझसे? मंगनी करनी है? ये बैंगन मेरा होने का सपना देख रही है ना? ये ले। और तू अगर पुलिस को कुछ बताया ना, ये तेरी लाडली, ये इतना सुंदर चेहरा इसका दिख रहा है ना, बिगाड़ दूंगा, सारी उम्र पहचान नहीं पाएगी। 26 सितंबर के दिन क्या हुआ था सोनाक्षी के साथ? आखिर रायमा ने इस सब के सामने सोनाक्षी का नाम क्यों लिया? क्या रहस्य है सोनाक्षी और रायमा के बीच? ये खुलासा हम आज करेंगे कि क्या हुआ था 26 सितंबर को। पूरे फसाद की जड़ कोई और नहीं बल्कि सोनाक्षी का एक्स बॉयफ्रेंड करण है। करण ने ही रायमा की दोस्त को चीट किया और उसके बाद खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। सोनाक्षी की एंगेजमेंट होती है, उसी दिन मैं किसी और लड़की से मिलने जाता हूँ, तो वो सारी बातें हो जाती हैं और वहाँ पे सडनली कुछ एक्सीडेंट हो जाता है कुछ ऐसा, तो जिसकी वजह से सोनाक्षी मेरे से नाराज हो जाती है। तो फिर करण को अपना असली रूप जो है वो नेगेटिव, तो वो निकाल के दिखाना पड़ता है जो अब तक शरीफ बना हुआ था। क्योंकि ये जो बहुत बड़ा एक मुद्दा था हमारे शो में, विच वॉज 26 सितंबर, ये फाइनली उसका खुलासा हो रहा है। तो रायमा हिक के हिस्से की स्टोरी सबने सुन ली है, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ वो सुना नहीं है। तो ये वो सोनाक्षी को जब इस बात का पता चला तो उसने करण के साथ रिश्ता तोड़ा और करण को पुलिस के हवाले करने की बात की। मैं तुम्हें सजा दिलवा कर आऊंगी, अभी पुलिस को फोन करती हूं मैं। रुको, मेरा फोन। पुलिस की धमकी तो दे मत, जब से जिंदगी में आई जीना हराम जा रखा है। अब करण ने सोनाक्षी और उसकी माँ दोनों को धमकी दे दी। पुलिस को कुछ बताया ना, ये तेरी लाडली, इसका इतना सुंदर चेहरा ऐसा बिगाड़ूंगा ना कि सारी उम्र पहचान नहीं पाएगी। और वो छोटी वाली, उसको तो ऐसा गायब करूंगा कि सारी उम्र ढूंढ नहीं पाएगी। करण की धमकी से सोनाक्षी की माँ तो डर गई, लेकिन सोनाक्षी नहीं डरी। वो उस जगह पर पहुंची जहां पर रायमा का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन रायमा वहां मिली नहीं। भैया कुछ नहीं कही है, एक लड़की गिरी हुई थी ना, जो चोट लगी थी उसे बहुत ज्यादा खून था। कहां है? हां, कुछ देर पहले कुछ लोग उसको उठा के ले गए हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल? अब वो तो रायमा की मदद करना चाहती थी, लेकिन सोनाक्षी की माँ इस कदर डर गई थी अपनी बेटी के फ्यूचर को लेकर कि उसने सोनाक्षी को कुछ करने ही नहीं दिया। शो मिला, हो सकता है ये कॉन्ट्रोवर्सी से लेकर ठीक नहीं हो, वो शो तेरे हाथ से चला जाएगा। कोई मर भी पड़ता मम्मी, कोई नहीं, एक लड़की की जान के आगे मेरे लिए शो जरूरी नहीं है। मम्मा प्लीज मुझे अंदर जाने दो, प्लीज मम्मा, आई बेग यू। सोना नहीं, कुछ चली आ। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप पूरी कहानी समझ गए होंगे। अब ये तो पास्ट की कहानी है जो आपको जानने मिलेगी, लेकिन चलिए अब थोड़ी सी प्रेजेंट की कहानी भी बताते हैं। जहां पर रोहित सोनाक्षी के पास आया है, अब वो जानता है कि रायमा उसका पास्ट है, सोनाक्षी उसका प्रेजेंट, और सोनाक्षी को वो अच्छे से जानता भी है, समझता भी है। आई थिंक इट्स वेरी क्यूट जो रोहित का जो ये आज जो सीन का रीजनिंग है, क्योंकि इतने समय से, वैसे उसने सोनाक्षी को काफ़ी टॉर्चर भी किया है, लेट मी टेल यू, कि इतने समय से बात नहीं की, मुंह नहीं खोला, तो सोनाक्षी को तो यही लगा था कि ओके नाउ ही इज़ डन, ही इज़ गॉन अहेड विद रायमा। लेकिन जिस तरह से वो आके बिलीव करवाता है कि नहीं, मैं तुम्हारा ही हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा, सो दैट इज़ वेरी स्वीट। सोनाक्षी ने उसे सब कुछ बताया और करण ने अपने दिल का हाल। मुझे लगा था कि तुम भी मुझ पे यकीन नहीं करोगे, बहुत टेंशन में थी। मैं क्या करता उस समय? मैंने तुम्हें कहा भी कि तुम यहाँ से जाओ, फिर भी तुम यहाँ वहाँ थी, फिर मैं इरिटेट हो गया, तो मैंने बस गुस्से में कह दिया फिर। आउट
दोनों के बीच के गिले शिकवे दूर हो चुके हैं और जहां तक हम जानते हैं रोहित सोनाक्षी के साथ अपनी रिलेशनशिप आगे बढ़ाएगा। रही बात रायमा की, तो रायमा को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि रोहित अब सोनाक्षी से प्यार करता है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा देखिए, जहां कुछ महिलाएं मिल जाती हैं वहां पे चर्चा जो है, बातचीत ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो ये दो खूबसूरत महिलाएं साइड में खड़े होकर किस बारे में बात कर रही हैं? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। तो बात क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी कि आज उसने सूट डाला और मैंने लहंगा डाला। ओके, आई विल वियर सूट एंड शी विल वियर लहंगा। मतलब आई एम सो इंस्पायर्ड कि देखो भैया, तैयार होना है तो ऐसे होना है, त्योहार का मजा लेना है तो ऐसे लेना है। तो हम इनसे टिप्स लेते हैं, आप ऐसा कीजिए। देखिए कुछ तो है तुझसे रब्ता में, क्या हो रहा है? आओ साहब का गुस्सा तो देखिए। अब घर में अनुप्रिया के लिए शगुन आया और उसकी शादी की बात हुई। इस बात को सुनकर वो आग बबूला हो गई और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया जो अनुप्रिया का रिश्ता लेकर आई थी। आओ साहब का कहना है कि अनुप्रिया के बारे में फैसला लेने का हक केवल उन्हीं को है, बाहर वालों को नहीं। आओ साहब के मुंह से ये बात सुनकर कल्याणी भी बोल पड़ी। उसने भी आओ साहब के सभी सवालों का बराबर से जवाब दिया। और हाँ, दोबारा मेरे घर वालों पे हाथ उठाएंगे आप, मुझे बिल्कुल शगुन क्या? हाँ हाँ, अभी आएगी, शादी करवानी है तो शगुन लेके जाना पड़ेगा ना। पहले लेके जाना पड़ेगा, हम लड़के वाले। हाँ। लड़की वाला कौन है? यू आर लड़के वाले, हम लड़की वाले। अपेरेंटली मैं शादी करवाऊंगा बाय द वे। जी देखते हैं ना, आप शादी करने से मतलब है, जो भी करवाए। हाँ, आओ साहब किसी और से शादी कराना चाहती है? नहीं नहीं, बोलने देना अभी। हाँ एक्चुअली, हाँ ठीक है, ऐसा ही सोच लो। अनुप्रिया को भले ही आओ साहब ने रखा हो, लेकिन शिक्षा तो कल्याणी ने दी है। पढ़ा लिखा के उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाया है मैंने। और वो चाहती है कि उसकी माँ एक बार फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करे। अभी शुरुआत से पहले इतना बड़ा हंगामा हो गया कि पता नहीं आगे क्या होगा। घर में नवरात्रि के मौके पर माता रानी की स्थापना की गई है, लेकिन उसी माता रानी के सामने इतना बड़ा हंगामा। अब जितना हम जानते हैं माता रानी है, तो भाई सोचने की कोई बात नहीं है, सारे बिगड़े वो बनाएंगी और अनुप्रिया आपके साथ तो जरूर कुछ अच्छा करेंगी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। यहाँ पे गरबा की प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन ये भांगड़ा कहाँ से आ गया भाई? अरे क्या बात है, भांगड़ा इज एवरीवेयर। तो मतलब अब गरबे में भी पंजाब का तड़का दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमें लगाना ही पड़ेगा, हमें उसके बिना मजा ही नहीं आएगा। तो बस देखिए, जहाँ से चाहे आप, जो अंदाज में नाचना चाहे, बस झूम कर नाचिए, त्योहार का मजा लीजिए, किसने रोका है। और पंजाब की बात हो रही है तो चलिए ना, चलते हैं पटियाला बेब्स के पास। बबीता ने आखिर मिनी के गाल पर इतने जोर से थप्पड़ क्यों जड़ा? आखिर मिनी से ऐसी क्या गलती हो गई कि नौबत थप्पड़ तक की आ गई? मिनी!
जैसा कि आप देखिए इस सीन में जैसा कि चल रहा है, मिनी के दोस्त उसके घर आए हैं। अब मिनी की नजदीकियां उसके दोस्त के साथ कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है, ऐसा बबीता को लग रहा है। उसने थोड़े समय तक तो ये सब हरकत देखी, उसके बाद उसने मिनी को टोका कि मिनी तुम ये क्या कर रही हो। मिनी का बात करो, मिनी मस्ती मजाक, ये कोई टाइम है मस्ती मजाक करने का? एग्जाम आ रही ना तेरी, पढ़ाई नहीं करना तुझे? अच्छा बना के रखा है यहाँ पे। एरू मेरा बार बार आता रहता है, बट आज थोड़ा सा बेब्स, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, तो बस गुस्सा निकल आया और मैंने मिनी को बहुत ज़्यादा चिल्ला दिया। हालांकि बाद में मैं खुद ही बहुत ज़्यादा गिल्ट करूँगी कि मैंने मिनी को चाटा क्यों मारा, बट गुस्से में कंट्रोल नहीं रहता है तो निकल गया। चार बार मारा चाटा शो में, चारों बार रिग्रेट हुआ लेकिन फिर से चाटा मारा है मुझे। हालांकि मिनी ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था, वो तो बस अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी। लेकिन वो क्या है ना, इस समाज के ठेकेदार जो लड़का लड़की को एक साथ कुछ पलों के लिए देखे तो भाई उसका मतलब गलत ही निकालते हैं। मिनी जो भी कर रही है अपनी माँ से ही सीखे तो कर रही है ना, और जैसे मुफ्त में दूसरा पति मिल गया उसे मिनी भी दूसरा दामाद ढूंढ लेगी फ्री में। मोहल्ले वालों की बकवास बबीता ने सुनी और लीजिए यहाँ पर सारा गुस्सा निकल गया मिनी पर। मिनी! हाँ, बबीता को रिलेट करी अपनी लाइफ से जो कुछ उसके साथ हुआ, फिर मीता की एक स्टोरी, फिर जब प्रीत और मिकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो मिकी क्यों मिनी में इतना इंटरेस्ट ले रहा है, कहीं कोई उलझने ना हो जाए रिश्ते में, तो ऐसे हज़ारों ख्यालों लोगों की बातें, तो बहुत सारे बातें दिमाग में ऐसी उठ गई हैं। प्रीत भी बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मिनी और मिकी सोलमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, एंड उन दोनों का रिलेशन बहुत ही प्योर है, तो हम सब के बीच कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन बेब्स को कहीं ना कहीं जो एक्शन बहुत ही फ्रेंडली वाला रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं गलत लगता है। अब बबीता इस सबसे सिंपल और सीधी बात है, इस समाज वाले क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचती है, इन सबसे ऊपर जाकर आपकी बेटी ने आपकी शादी करवाई है, आपके लिए आपकी एक नई दुनिया बसाई है, तो फिर आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मिनी जब अपने दोस्त के साथ घूमती है, बाहर जाती है, ये सब देखकर लोग क्या कहते हैं। अब लोगों के बारे में तो आप कुछ भी नहीं कह सकती हैं, क्योंकि लोग है ना कुछ तो कहेंगे ही। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आपकी मिनी कैसी है। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए त्योहार का मजा तभी आता है जब हर कोई उसमें शामिल हो जाए, कई बार अनाउंस्ड भी। तो हमारे पास एक अनाउंस्ड डांसर है जिसकी खूब प्रैक्टिस हो रही है। कैसी चल रही है डांडिया की छोटे भैया की? अच्छा लग रहा है, इसके साथ डांस करके बहुत मजा आ रहा है। अरे वाह, तो देखिए यूं ही त्योहार का आनंद लीजिए, जितने शामिल होंगे उतना अच्छा है, क्योंकि त्योहार वही जो मिलकर मनाया जाए। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है इस कहानी में, ये दिखाने। तुझे अपने साथ रखो, तुझे एक किन्नर को। क्या कर रहे हो? पागल हो गए? तुम्हारी जैसी औरतों को तो मैं औरत पे कोई नजर भी उठाए तो भोपाल की बहू भी हम उसकी आंखें निकाल देती है। आपने तो औरत पे हाथ उठा दिया, आपकी किस्मत अच्छी है इस कर्मिया के इस हाथ ने शायद आपको छुआ नहीं, वरना अब तक ये हाथ कंधे से अलग हो चुका होता। आ गई बहू बेगम रजिया की सास गजाला, और वो भी ऐसे वक्त जब उनके छोटे बेटे को इस घर से निकाला जा रहा था, क्योंकि छोटे बेटे असगर ने शायरा बहू पर हाथ जो उठाया था, क्योंकि शायरा ने दिलरुबा का बचाव किया था। क्योंकि असगर ने दिलरुबा को बुरी तरह पीट दिया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुझे अपने साथ रखो, तुझे
एक किन्नर को, क्योंकि दिलरुबा का दिल असगर पर आ गया था और वो असगर के साथ भोपाल से बाहर कहीं जाना चाहता था उनकी खिदमत के लिए, जो असगर को गंवारा नहीं था। इस कारण दिलरुबा को मार खानी पड़ी। बेचारा दिलरुबा, उसने तो प्यार किया था, उसका तो दिल आ गया था चाचा जी पर, लेकिन असगर चाचा को ये पसंद नहीं, इसलिए तो उन्होंने दिलरुबा को पीट दिया, जिसका बचाव करने शायरा आई और शायरा का बचाव करने उनकी सास बहू बेगम आ गईं और उन्होंने अपने देवर को घर से जाने के लिए कह दिया। और ये असगर जैसे ही जमीन पर गिरा, उनके सामने आ गईं गजाला। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तेरी मेरे बेटों से दुश्मनी है, एक को इतने सालों पहले घर से बाहर निकाल दिया, दूसरे को आज निकाल दिया। इस किरदार के अपने ना कुछ हिसाब किताब हैं, जो बहू बेगम से उसको चुकता करने, बहुत सालों बाद वो इस हवेली में वापस आई है। गजाला ने आते ही ताने देना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने अपने छोटे बेटे और बहू को माफी मांगने का आदेश दिया और उन्हें सामान लेकर घर के अंदर जाने के लिए भी कह दिया और साथ ही साथ नूर को बेइज्जत कर दिया, 10 रुपया मुंह दिखाई के लिए देकर। नूर ने नहीं लिए तो 20 रुपए निकाल के दिए। मगर नूर भी कम नहीं, उसने तो 20 रुपए के साथ साथ दादी सास के हाथ से कंगन ही उतार लिया। दादी सास को एहसास हो गया कि इस बहू से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, हालांकि वो मानेगी नहीं। वो ये सिर्फ बेइज्जती करने का एक तरीका है। जैसे सुरैया को भी, वो मुझे बुलाने आई थी तो उसको भी बेइज्जत किया मैंने, उसके मुंह पे पान थूक दिया, मुंह पे ही पान थूक दिया। तो ऐसे ही ये, क्योंकि घर के नौकर की ही बेटी है तो उसको वो उसी तरह से ट्वीट करती है, और ये बेइज्जत करने का एक तरीका है कि मतलब 10 रुपए दे दिए। दादी सास गजाला ने शायरा को जरूर गले लगा लिया है, उसकी खूब तारीफ भी की है, क्योंकि नूर तो इनकी मानेगी नहीं, कम से कम एक बहू को तो अपनी ओर रखना पड़ेगा ना। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, ग्रुप में डांस करने में ना बहुत सी चीज़ें होती हैं, एक तो सबके साथ स्टेप्स मैच करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें मज़ा भी खूब आता है। एक चीज़ बताइए, ये जो डांस स्टेप्स आप लोग कर रहे हैं, ये एक्चुअली मतलब आप में से, मतलब इनमें से कौन कोरियोग्राफी कर रहा है या सबकी कोरियोग्राफी चल रही है? सभी की कोरियोग्राफी चल रही है। ओह माय गॉड, ये तो टैलेंट तो इंडिया में फूट-फूट के भरा है, मैं हमेशा कहती हूं। सभी जानते हैं कि गरबा एक बहुत ही पॉपुलर डांस फॉर्म है जो कि दुर्गा माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनको ही खुश करने के लिए हम लोग ये डांस करते हैं। और बेसिकली मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर स्टेप्स या कोरियोग्राफी की जरूरत है। वैसे एक चीज बताइए, घर में दुर्गा माँ को खुश करने के लिए सब डांस करते हैं, लेकिन घर में सभी महिलाओं को यूं खूबसूरती से तैयार करके ना लोग भी खुश हो जाते हैं, अरे आज तो बड़ी अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही हो, रोज हम लोग वैसे ही लगते हैं, लेकिन आज तो हमारी सोसाइटी के लोग भी हमें नहीं पहचान पा रहे होंगे। देखिए, बस यूं ही आनंद लीजिए, तैयार हुई है, जीवन का आनंद लीजिए। वैसे आनंदमयी तो आज का दिन है ही, हिना खान का जन्मदिन है, तो चलिए उनको विश करके आते हैं। Thank you so much for being. So patient and so loving. Thank you so much. Thank you, ABP. Thank you, all of you. So let me just have it. I know, आप आई थिंक बर्थडेज बहुत स्पेशल होते थे जब आप छोटे होते थे। अब यू आर सो बिजी इन योर वर्क कि आपको शायद एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है, बट बचपन में ऐसा होता था कि आप हफ्तों पहले प्रेपरेशन करते थे, मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरा बर्थडे आने वाला है।
अब ऐसा हो गया, आप ही लोगों को देखिए काम पे आके केक्स काटते हैं हम, आप लोग यू कम टू आवर वर्क प्लेसेस एंड वी कट द केक्स. बट नॉनदलेस व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप जहाँ भी हैं काम में ही रहना चाहिए इंसान को हमेशा. दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. एंड सेकेंडली व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट वी आर टुगेदर. आई थिंक विद ABP और अदर्स इट्स बीन लाइक अ जर्नी, लाइक सो मेनी ईयर्स वी बीन कटिंग केक्स टुगेदर. सो अच्छा लगता है कि कहीं भी हो, मैं जहाँ भी हूँ, यू गाइज मेक एन एफर्ट एंड यू नो यू गाइज कम एंड वी कट द केक टुगेदर वी सेलिब्रेट. आई लाइक टू टेल देम कि एक महीना, आई थिंक दो महीना पहले से उन्होंने काउंट डाउन शुरू कर दिया है. सो थैंक यू सो मच. द डी डे इज़ अबाउट टू कम एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड ऑल द विशेज, ऑल द एडिट्स, ऑल द वीडियोज, ऑल द पिक्चर्स, ऑल द कोट्स. आई लव यू टू द मून. एक चीज बताइए, ये माँ बेटी की जोड़ी डांस कर रही है, सारा डांस कौन सिखाता है, मम्मा की बेटी? मैं. अच्छा, रोल रिवर्सल अच्छा नहीं लग रहा, पढ़ाई मम्मा सिखाएंगी, आप डांस सिखाओगे? सो यू गेट टू बी द टीचर हियर? यस. डांट लगती है मम्मा को? कैसी टीचर है ये? अच्छी माँ हूँ. और टीचर कैसी है बेटी? सुपर, शी इज अ सुपर डांसर. सो आई एम लकी टू हैव हर एज माय डॉटर. परफेक्ट. और बहुत अच्छा डांस सिखाती है. मैं एक्चुअली इसके पास ही आती हूँ कि बेटा एक दो स्टेप सिखा दो, जाना है नीचे प्रैक्टिस के लिए. परफेक्ट. देखिए, ये बेस्ट तरीका है जब आप अपनी फैमिली के साथ भी बॉन्ड कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इस त्यौहार को. तो कीजिए ना, वैसे इन्जॉय तो खूब कर रहे हैं कसौटी वाले भी. एक साल पूरा हो गया भैया सीरियल को. मिस्टर बजाज, अनुराग बासु, प्रेरणा शर्मा और मोहिनी बासु, इन सबको एक साथ यहाँ पर इकट्ठा करने की आज हमारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि दर्शकों की ये भारी डिमांड थी. अब भी कसौटी जिंदगी सीरियल ने एक साल पूरे कर लिए हैं, तो ऐसे में जश्न का माहौल तो बनता ही है. अब भी चैनल और प्रोडक्शन हाउस भले ही इसका ख्याल ना रखे, लेकिन हम तो रखेंगे भाई, क्योंकि हमारा रिश्ता इन सबसे पुराना जो है, तो भाई हम तो सेलिब्रेट करेंगे ही. सास बहू और साजिश को यूं सेट पर देखकर सितारे भी बेहद खुश हुए. और देखिए, हमारे साथ शामिल हो गए इस जश्न में. आपको एक साल नहीं, आप शो पे आए हैं, एक साल नहीं हुआ. लगता है करन? मुझे करन तो बहुत अच्छा लगता है. आपको कैसा लगता है करन? बजाज बहुत अच्छा. जी एक्चुअली वक्त कैसे वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला. आई फील गुड, लाइक ही सेड, पता ही नहीं चला कि वक्त कब निकल गया. एंड वक्त और आज एक्चुअली इट वॉज अ फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया जब हम जय माता दुर्गा कर रहे थे. एंड नूची डांस, नूची डांस दो. और प्रेरणा कहना चाहती रफली ट्रांसलेटेड इट इज She's happy about it. Yes, I'm very happy about it. We completed 1 year successfully, and that book is over. And no, but we are actually very, very happy. Very, very happy. It was actually nostalgia. Tracks की जो लड़ाई होती है, आप लोगों को लेके और tracks को लेके, तो उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? Celebration में उन्होंने जो trend किया. हम बोलना चाहेंगे कि please.
please continue the fights and wars, because that we know that then you're watching it regularly and you're paying attention. So this is going to keep happening. So please, har roz subah uthte hi ladi ek dusre se. एक दूसरे की जानी दुश्मन बन जाइए, हो सके तो एक दूसरे का घर के एड्रेसेस भी पूछ लीजिए, ताकि आप उनको इन पर्सन जाके या बोल सके कि यो आई एम किल यू मैन एंड देन लेकिन वो इवेंचुअली काम डाउन वो इवेंचुअली एक साथ फिर वही घर पे बैठकर कसौटी देख रहे होंगे. अरे नहीं यार, तू मेरा चल चल ऑल दैट, बट द वॉर इज मोर या फन. नहीं, हम लोग बस कोशिश कर रहे थे कि नच पलिए में कहीं से हमारा पार्टिसिपेशन हो जाए, इसलिए हम एक दूसरे के लिए टक्कर दे रहे थे. कार पार्क टुगेदर, वी आर कार पार्क जस्ट इन केस एनीबडी हैज एक्स्ट्रा कार्स एंड दे वांट टू पार्क इट, कम टू कार पार्क. Dial 5-5-5-0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 -
लहू और साजिश भी खूब सारी बधाई देता है एक कसौटी जिंदगी को उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी पे। मुंबई से आरती गुप्ता पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।